नमस्कार। सहायक शिक्षकों का आंदोलन लगातार जारी है। कल वार्ता की पहल हुई लेकिन वार्ता विफल हो गई। अब नई उम्मीद, नई रोशनी तब आएगी जब सरकार की तरफ से फिर से वार्ता की पहल होगी। फिलहाल ऐसी कोई सुगाहट नहीं है। आज अलग अलग तरीके से सहायक शिक्षकों ने न सिर्फ अपनी मांगों को बुलंद करने की कोशिश की बल्कि सरकार तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश भी की। आज हम मांगों पर बात नहीं करेंगे, आज हम जिंदाबाद मुर्दाबाद की बात नहीं करेंगे, आज हम सहायक शिक्षकों के हालात को दिखाएंगे कि जो आंदोलन के लिए प्रदेश भर से शिक्षक आए हुए हैं वो घर से दूर, अपने परिवार से दूर किस तरह से इस खुले आसमान के नीचे वक्त गुजार रहे हैं, किस तरह से उनका खाना पीना चल रहा है और किस तरह से वो अपनी जिंदगी को फिलहाल 8 दिनों से जी रहे हैं, इसकी आपको वानगी दिखाएंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बगल में धरना स्थल है जो कुछ देर पहले तक गुलजार था। शाम का वक्त हो चुका है लिहाजा थोड़ी भीड़ कम हो गई है। देर शाम तकरीबन 7-8 बजे के बाद फिर से एक बार पंडाल में भीड़ उमड़ेगी। सहायक शिक्षक प्रदेश भर से आएंगे और फिर यहाँ पर जो कल की रणनीति होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर सोने का इंतजाम यहाँ पर होगा। आपको दिखाते हैं इनकी आखिरकार पूरे दिन की जो जिंदगी है वह कैसे चलती है। ये देखिए, ये सड़क है और सड़क के किनारे ये ठेले लगे हुए हैं, घर से दूर है, खाने पीने का कोई बेहतर इंतजाम नहीं है। लिहाजा फलों के जरिए कुछ मटर की छिम्मी है, उनके जरिए ये अनार हैं, इस तरह से फलों के साथ इनके दिन भर की भूख मिटती है। कुछ ऐसे भी हैं शिक्षक जो अपने आस पड़ोस के रिश्तेदार के घर ठहरे हैं और आस पड़ोस के रिश्तेदार से उनके खाने का इंतजाम हो रहा है। हम इस वक्त आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सहायक शिक्षक जो आंदोलन के लिए आए हुए हैं उनकी ज़िंदगी का एक रंग ये भी है। सिर्फ और सिर्फ वो रंग नहीं जो आप आंदोलन में नारों के शोर और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के बीच देखते हैं, ये भी एक नज़ारा है। घर से दूर, परिवार से दूर, घर के खाने से दूर किस तरह से एक ज़िंदगी अलग से कट रही है इन तमाम शिक्षकों की, इसकी वानगी ये है। देखिए ये तमाम शिक्षक जो है वो आए हुए हैं। बगल में गाय भी है, बगल में गाय खा रही है, बगल में शिक्षक भी खा रहे हैं। ये भी एक आंदोलन का नज़ारा होता है। अमूमन देखिए आप गौ माता को भी खिला रहे हैं। चलिए बेहतर है, हमें लगता है सहायक शिक्षक जो यहाँ पर आंदोलन के लिए आए हैं उनसे बात करना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि किस तरह से आप लोगों की ज़िंदगी कट रही है। सर ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम लोग मस्तूरी ब्लॉक से हैं सर। हम लोग मस्तूरी से आए हुए हैं। तो घर का खाना मिस कर रहे हैं? घर तो यहाँ खाना पीना कैसे चल रहा है? लगता है किसी ने घर से बना कर दिया है खाना। जी 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 सर, जी सर लाएं सर। हमारे आधे से ज़्यादा साथी यहीं पर रुकते हैं और हम जब जाते हैं घर तो घर से उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में लेके आते हैं और यहीं पर हम रात अच्छे से गुजारते हैं। और फिर अगर किसी को घर में कुछ काम होगा तो फिर कल अपने घर में वो जाएंगे, अपने घर से फिर बनवा के वो हमारे लिए लाएंगे। चलिए ये एकता की बात है और संगठन की बात है और संगठन इसी तरह से चलता है। तो संगठन के बीच में किस तरह से तालमेल है और शिक्षक के साथी किस तरह से यहाँ पर इस तरह से अपनी बातों को न सिर्फ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर जुटे हुए हैं, उनकी मांगे किसी तरह से सरकार तक पहुंचे, इनके कष्ट को, इनके दर्द को सरकार समझे। आज बताइए खाने में क्या क्या है? खाने में गाजर की हलवा है। अच्छा, की चना, अच्छा, टमाटर की चटनी है सर है, और ये पूरी है, और ये रोटी है, और तवा रोटी है। ये किनके किनके घर का? पूरी किसने लाया है? पूरी आप लाए हो। रोटी किसने लाया है? रोटी मैंने लाया। रोटी आप सब लाए हैं? अच्छा, कर्मचारी है, ज्यादा पैसा शहर में हम वेस्ट कर नहीं सकते तो जो साथी यहाँ से जाते हैं वो सुबह के दोनों टाइम के लिए हम लोग को खाना की व्यवस्था करके हम लोग लाते हैं सर, यहाँ पर खाते हैं और यहाँ पंडाल पे रात्रि विश्राम करते हैं सर। हम लोग होटल जा सकते हैं न कहीं पर और हमारी आर्थिक स्थिति सब बाहर होटल पर अफोर्ड कर पाए। आंदोलन में मिस क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रहा है? पारिवारिक आदमी है सर, घर में माता पिता बुजुर्ग हैं, छोटे भाई बहन हैं, बिजली का काम है सर, छोटे बच्चे हैं, उन सबको छोड़ के हम मिस करें दूर दर्द नहीं यहाँ है। हमारे जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम वादा किए थे, हम इन्हीं वादों को ताक पे रखे आए, हम अन्य हमारी कोई मांग नहीं है। वो जो बोले थे 3 माह पहले हम इसी चीज़ को चाह रहे हैं यहाँ पर।
तो ये भी एक आंदोलन का नजारा है, या यूं कह लें कि आंदोलन का ये भी एक दर्द है। दर्द भी होता है क्या, घर से इतने ठंड का मौसम है, परिवार से दूर है, परिवार वाले लोग तो बोलते होंगे कहाँ चले गए हो तुम लोग, फंसने जा रहे हो। तो हम तो और बोलते हैं कि आपके साथ में हम यहाँ से हैं, आप हमारे घर में हैं, लेकिन हमारी जो साहस है, हमारी जो विश्वास है, आप उनके साथ हैं। आप बेजोड़ लड़िए और तब तक लड़िए जब तक आप सफल ना हो जाए। सर हम मिस्टर परफेक्ट इसलिए हैं क्योंकि वो हमें सही टाइम पर नाश्ता, सही टाइम पर ड्रेस धो के अप टू डेट करा के देती है, तब हम मिस्टर परफेक्ट रहते हैं। और अगर वो लोग अपना हाथ खींच ले तो हम लोगों का कुछ भी काम नहीं हो पाएगा टाइम पर। ये उन्हीं का ही, आप देख सकते हैं ये तमाम शिक्षक जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसी तरह से आंदोलन अपनी बातों को रख रहे हैं, बल्कि हर का एहसास इस आंदोलन स्थल पर भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक ये परिवार से दूर है, लेकिन इनके साथ ही अपने घर से लाए खाने के जरिए इन्हें घर का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि घर से दूर रहने का इन्हें दर्द कमजोर ना करे, इन्हें परेशान ना करे। हमें एक और नज़ारा दिखाने की आपको इच्छा है कि कुछ साथी जो यहाँ पर रुके हैं, यहीं पर ठहरे हैं, यहीं पर सोते हैं, यहीं पर वो खाना बनाते हैं और यहीं पर खाकर फिर सो जाते हैं, हम उनकी भी वानगी दिखाएंगे, हम उनकी भी तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो जो तमाम शिक्षक हैं जिन्होंने आंदोलन स्थल को ही अपना घर बना लिया है, इन्होंने ये मान लिया है कि लंबी लड़ाई लड़नी है, लिहाजा वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। कल हमने एक वीडियो बनवाया था जिसमें हमने बताया था कि तमाम जो शिक्षक हैं जो दूर दराज इलाके से आए हैं, खास करके बस्तर के इलाके से आए हैं, वो साथ में गैस सिलेंडर लेकर आए हैं, बर्तन लेकर आए हैं और यहीं वो खाना बनाएंगे और इसी धरना स्थल के खुले आसमान को अपना घर बनाएंगे। तो हम उनकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। कहते हैं ना कि आंदोलन की जिंदगी आसान नहीं होती है, आपको हर पल संघर्ष करना पड़ता है, फिर चाहे जिंदगी की जद्दोजहद से संघर्ष करने की बात हो, सरकार से संघर्ष करने की बात हो, भूख से संघर्ष करने की बात हो, या पारिवारिक उलझनों से संघर्ष करने की बात हो, एक संघर्ष का नजारा ये भी है। घर परिवार से दूर हैं और 13 तारीख से रायपुर में तमाम सहायक शिक्षकों का जुटान शुरू हुआ है जो अलग अलग प्रदेश के हिस्से से आए हैं, रात यहीं गुजारते हैं, यहीं खाना बनाते हैं, यहीं सो जाते हैं और फिर सुबह से संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने अलग अलग पहलू दिखाए आंदोलन की कि रात किस तरह से गुजरती है, ठंड के मौसम में किस तरह से कपकपाते हुए लोग सोते हैं, किस तरह से मच्छर काटते हैं बावजूद आंदोलन स्थल पर डटे रहते हैं। हमने एक फिल्म जो वीडियो बनाया था इन दीदी के साथ, इनके साथ एक छोटी बच्चियाँ थी जो उस रात के वक्त में तकरीबन 11 बजे के आसपास में जो थी वो माँ के साथ थी, आज भी वो अपने पापा के साथ इधर उधर घूम रही है। और जो शिक्षिका हैं वो अभी फिलहाल आंदोलन स्थल से जो धरना स्थल कुछ ही दूरी पर है वहाँ से यहाँ पर आकर खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पेट में अन्न नहीं होगा, शरीर में ताकत नहीं होगी, सरकार से संघर्ष करना मुश्किल होगा। लिहाजा ये तैयारी साफ बता रही है कि संघर्ष के लिए ये तमाम लोग काफ़ी दूर तक तैयारी करके आए हैं। दीदी कहाँ से आए हो आप, हफ्ते एक बार पहले भी बात हुई थी, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम श्रीमती सुनीता कश्यप, मैं बस्तर जिला बकावंड ब्लॉक से। बकावंड, क्या बन रहा है यहाँ पे, आप लोग पहले तो ये बताओ कि जो तैयारी लेकर आए हो, ये चूल्हा गैस सिलेंडर ये कब लेकर आए आप लोग, शुरू पहले ही दिन से लेकर आए हो या फिर पहले बताइए क्या क्या लेकर आए हो आप? चावल, ये चावल लेकर आए हो, ये चावल है, अच्छा ये चावल है, ये तो पानी है, ये बड़ा सा प्रेशर कुकर है, कितने लीटर का होगा ये, 5 लीटर का होगा, ज्यादा का होगा, और क्या है, अच्छा उधर भी एक कुकर है, वो भी बड़ा सा कुकर है, गैस सिलेंडर है, दो दो गैस सिलेंडर और चूल्हा और छोटी छोटे बर्तन जिसमें खाना पकाया जाएगा। मटर देखिए छिला जा रहा है। और आज का पहले तो मेनू बताओ दीदी, क्या क्या बनाना है आज, क्या क्या है खाने में आपको? दाल बनाएंगे, अच्छा के साथ और दाल बनाएंगे, अच्छा और चावल जी। कितने लोगों का खाना बना रहे हो आप लोग? 15 से 20 लोग।
15 से 20 लोगों का जी। तो ये आप लोग को मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है कि भाई सारे साथी लोगों को खाना बनाना? अच्छा, सारे लोग मेहनत मिलकर कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, परिवार जैसे माहौल लगता है हमको, ऐसा नहीं लगेगा यहाँ पे हमको किसी प्रकार के परेशानी नहीं जाएगा और नहीं मेहनत, क्योंकि हम यहाँ पे सब मिल बांट के कर रहे हैं, इससे हमको एक परिवार जैसे माहौल लग रहा है। हमको ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि हम यहाँ पे हड़ताल में आए हैं। निश्चित रूप से हम इनके जज्बे को देख के हमारी हिम्मत तो बढ़ जा रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे माहौल है। और कल हमारे बहुत अच्छे साथी जो है जो बकावन विकास खंड से, कल कम से कम 30 से 40 की संख्या में और आ रहे हैं जो कि यहाँ रुकेंगे और हड़ताल के अनिश्चितकालीन हड़ताल के जब तक मांग पूरा नहीं हो तब तक यहाँ पे डटने के ज़्यादा से आ रहे होंगे। चलिए इधर में और साथियों से थोड़ा सा बात कर लें, थोड़ा सा हमको रास्ता दें। ये बताइए आप कहाँ से आए हो? बकावन ब्लॉक से आए हो। अच्छा, तो आप जब आए हो तभी ये चूल्हा वगैरह लेकर आए हो सारा कुछ? अच्छा, तो आप लोग क्या मान के चले थे? तो हड़ताल तो कभी भी खत्म हो सकती है, सरकार अभी वार्ता के लिए बुलाई गई अभी हड़ताल का, तो इतनी तैयारी के साथ क्यों आए आप? तो घर वाले लोग बोले नहीं क्या वहाँ पे, वहीं पे घर बसा लोगे क्या, चूल्हा लेके जा रहे हो? भूपेश जी ने जो हमें 90 दिन का समय दिया था उसमें इन्होंने तो अपना वादा पूरा नहीं किया, ठीक है ना। अब हमको क्या ये मान के चले हैं कि ना हड़ताल कब खत्म होगा हमको पता ही नहीं है, क्योंकि अभी भी वार्ता के लिए बुलाए तो विफल रहा। हम ये मान के चले हैं कि जब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी तब तक हमको यहीं रहना है, लड़ना है और अपना हक जीत कर ले जाना है यहाँ से। आप दीदी आप अपना नाम तो बताओ, नाम आपने बताया नहीं अपना। मेरा नाम प्रेमलता साहू है, मैं बकावन ब्लॉक से हूँ। किस स्कूल में आप टीचर हो? कन्या प्राथमिक शाला पटेल पारा बकावन। अच्छा, हम लोग सर 13 तारीख से ही आई हुई हूँ, मैं 2 जोड़ी कपड़ा लेके आई हूँ और उस दिन से रुकी हुई, तो कभी इधर खाना कभी उधर खाना और खा रही थी, और मेरे बाकी साथी भी सब इधर उधर ऐसे ही, हम लोग एक साथ रह भी नहीं पा रहे थे। तो फिर कल सर लोग आए तो ये सारा मतलब व्यवस्था लेके आए वहाँ से। सोने की क्या व्यवस्था होती है? हम लोग सर व्यवस्था कर देते हैं, हम लोग दो तीन लोग ही है तो, और सर लोग पूरे पंडाल में सोते हैं। अच्छा, आप सर कहाँ से आए हो और बस्तर वाले कौन कौन हो जो जिन्होंने जुगाड़ के साथ जो है पूरा का पूरा जो है ये व्यवस्था की है खाने पीने का? ये सारे साथी लोग आप लोग जो है सारे लोग यहीं पर खाना बनाओगे, यहीं पे खाना खाओगे? अच्छा, तो सरकार ने हमें सब मजबूर किया है। हाँ, यदि वो हमारे बात मांगों को पहले मान लेती तो ये ऐसा करना नहीं पड़ता हम लोगों को। हम लोग भी परिवार सबको छोड़ के आए हैं यहाँ पे। मेरा सर आज से 8 दिन हो गया, 13 तारीख से मैं यहीं पे हूँ, मैं अपने परिवार को छोड़ के जी। हाँ, तो घर वाले लोग याद नहीं करते, बोलते नहीं कि कहाँ चले? करते हैं सर, कल मेरी बेटी फोन करके रो रही थी। अच्छा, कि पापा कहाँ चले गए, अभी तक नहीं आए हो बोल के। वैसा दुख लगता है सर उस समय जब घर से ऐसे फोन आता है, तो मैं कल तो सुबह दिन भर मतलब कि बहुत उदास था, मैं कल चेहरा भी एकदम मुरझा गया था, है ना। फिर बाद दूसरी बार बाद में ठीक लगा, बाद में बेटी फिर बात खुश रही तो थोड़ा हंस के बात की तो ठीक लगा। परिवार की याद बहुत आती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, कहते हैं संघर्ष के लिए आपको कई सारी कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ घर को त्यागना पड़ता है, कुछ भूख को महसूस होने के बावजूद उसे ना महसूस होने देने की कोशिश करनी होती है, रात जगकर गुजारनी पड़ती है और खूब सारे त्याग करने पड़ते हैं, तब आपकी तपस्या पूर्ण होती है। हो सकता है इन तमाम शिक्षकों के इसी संघर्ष के बूते इनका प्रयास किसी न किसी वक्त जरूर कामयाब होगा, ये उम्मीद भी है इन्हें और एहसास भी है। शायद यही वजह है कि ये तमाम लोग इस खुले आसमान को ही अपना आशियाना बना चुके हैं और ये मान चुके हैं कि जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी ये वापस नहीं लौटेंगे। संघर्ष का एक नज़ारा ये भी, और ये बताने के लिए हम आप तक आए हैं कि अगर इनकी परेशानी वाकई में आपको भी लगती है कि ज़्यादा बड़ी है तो इनके संघर्ष में ज़रूर आप सहभागी बने और ज़रूर सरकार से भी ये कोशिश होगी कि इनके संघर्ष को देखकर कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकाला जाए ताकि इन शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नियुक्त किया गया है, वो तमाम शिक्षक स्कूल जाकर अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था में फिर से जुट जाए। नमस्कार, NW न्यूज़ के यूट्यूब चैनल न्यूज़ कट टू कट में आज बस इतना ही। शाम के वक्त हम दिखा रहे थे कि सहायक शिक्षक किस तरह से
एक संघर्ष सरकार के साथ कर रहे हैं और दूसरा संघर्ष अपने पेट की आग को बुझाने के लिए कर रहे हैं। आप अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, क्योंकि शिक्षकों के संघर्ष से लेकर शिक्षकों की हर मुद्दे पर इसी चैनल पर बात सबसे पहले होगी। नमस्कार।